और आज की जो बस होने वाली है हमारी फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली होने वाली है और इनॉग्रल रन है, स्पेशल आपके लिए कवर करने के लिए आया हो। ड्राइवर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मतलब जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ही हम प्रॉपर बस लगाते हैं तो उस रूट की सवारी हमें मिल जाती है। और जस्ट अभी हमारे बाजू में आई है अहमदाबाद नासिक MSRTC की स्लीपर बस। इस बस में टोटल 2 ड्राइवर और 2 कंडक्टर है, ठीक है, ये मैंने पहली बार देखा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रैवल दियो ब्लॉग में। जैसे कि आपने मेरे टाइटल और थंबनेल देख के पता कर ही लिया है कि मैं कहां पर खड़ा हूं, तो हाँ मैं अभी खड़ा हूं विसनगर बस स्टेशन पे। ये पीछे है विसनगर बस स्टेशन और यहां पर जो ऑरेंज कलर की स्लीपर कोच बस देख रहे हो आप, ये है वड़नगर बोरीवली, जो कि अब बोरीवली की तरफ जा रही है। तो बहुत दिनों के बाद में ये मेरा ब्लॉग आ रहा है चैनल पे, क्योंकि पर्सनल काम से मैं थोड़ा फंसा हुआ था। तो आज कर रहे हैं बहुत ही धमाकेदार जर्नी। वैसे तो बस है पाटन नासिक, लेकिन मैं पाटन नहीं पहुंच सकता था क्योंकि लेट हो गया था, 1:30 यहाँ पर ही बज गया था और बस वहाँ से 2 बजे निकलती है पाटन से। तो सोचा कि 2:45 बजे बस विसनगर पे आएगी तो यहाँ से ही बोर्ड करेंगे बस को। और आज है ना बस का है इनॉग्रेशन रन, तो पहला रन रहेगा बस का। एक बस कल गई है, मतलब आज सेकेंड डे है इस बस का, लेकिन जो सेकेंड डे वाली बस है वो भी फर्स्ट टाइम इस रूट से नासिक जा रही है। जैसे कि आपको पता होगा पहले पाटन नासिक बस चलती थी, लेकिन उसका रूट अलग था, वो वाया सापुतारा वगैरह वाजदा होके बारडोली होके जाती थी। और ये जो वाली बस है अभी वाया धर्मपुर नवसारी और वलसाड़ होके जाने वाली है, तो बहुत ही अच्छा रूट रहने वाला है, नया रूट रहने वाला है। और विसनगर से मैं इस बस जर्नी को स्टार्ट करने वाला हूँ और ये वाला रूट भी बहुत ही अच्छे से कवर करके आपको नासिक तक पूरा दिखाने वाला हूँ। पीछे वर्कशॉप है विसनगर बस स्टेशन का और ये रहा पीछे खूबसूरत सा विसनगर बस स्टेशन। हल्की फुल्की गर्मी है तो थोड़ा अंदर जाते हैं और बस आने के बाद में आपसे मुलाकात करते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपको बताना भूल ही गया, इस बार जो पाटन नासिक बस जो दी है वो ब्रांड न्यू पर्पल कलर की स्लीपर कोच बस दी हुई है, तो उसका इंटीरियर भी देखेंगे और मेरी भी पर्पल स्लीपर कोच में पहली जर्नी होने वाली है। वैसे तो पाटन नासिक का टोटल डिस्टेंस होता है 650 किलोमीटर, लेकिन मैं विसनगर पे खड़ा हूँ तो विसनगर से जर्नी करूँगा तो ये डिस्टेंस करीबन रहेगा कुछ 600 किलोमीटर के आसपास में, तो टोटल नहीं कर पा रहा हूँ, 50 किलोमीटर कम रहेगा, लेकिन पूरी जर्नी विसनगर से नासिक तक की। और आज की जो बस होने वाली है हमारी फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली होने वाली है और इनॉग्रल रन है, स्पेशल आपके लिए कवर करने के लिए आया हूँ विसनगर, सॉरी पाटन तक नहीं जा पाया था लेकिन विसनगर से ही कवर करके आपको बता रहा हूँ। तो चलो बस आने दो, फिर आपको बस का इंटीरियर दिखाते हैं और चलते हैं बस के अंदर में और करते हैं इनॉग्रल रन की राइड। फाइनली अपनी बस अराइवल हो रही है, ब्रांड न्यू GSRTC पर्पल कलर में। और ये आ रही है अपनी पाटन वलसाड़ धर्मपुर नासिक। सबसे पहले आपको इस बस का रूट बोर्ड दिखाता हूँ, पाटन से वलसाड़ धर्मपुर और नासिक, ये जाएगी वाया उंजा मांडू वालम विसनगर गांधीनगर सूरत वलसाड़ कपराड़ा पेट। तो चलो आपको दिखाते हैं इस बस का इंटीरियर। जय माता दी, कुछ इस तरह से है बस का केबिन। बस का केबिन भी बहुत बड़ा है, देख सकते हो GSRTC की बैचिंग यहाँ पर भी ऊपर की हुई है। ड्राइवर के लिए स्पेशल एक फैन यहाँ पर दिया हुआ है। ड्राइवर सीट का भी स्पेस देख लो, बहुत ही अच्छा है और पीछे इतना बड़ा स्पेस है। यहाँ पर एक कंडक्टर सीट है वो भी पर्पल कलर में, इसको भी सील्ड बेल्ट होगा दिया हुआ है, हैंड रेस्ट और पुश बैक सीट आप देख सकते हो। मतलब कंडक्टर का भी यहाँ पर काफ़ी सोचा हुआ दिया हुआ है और यहाँ पर एक कर्टन भी दिया है विंडो के पास। राइट 3:58 पे हम विसनगर बस स्टेशन से निकले। तो नहीं हमें तो डीपी सर
और कुछ इस तरह से बस का इंटीरियर यहाँ पे देखेंगे तो 15 टोटल स्लीपर्स है, 30 सीट है यहाँ पर, आपको दिखा तो पूरा। लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट मिल जाता है और एक फायर का, और कुछ इस तरह से डबल का स्लीपर आप देख सकते हो, एकदम ब्रांड न्यू सीट है और बहुत ही कंफर्टेबल है। थोड़ी मिट्टी लगी क्योंकि विंडो यहाँ पे खुली है, तो खुली विंडो से क्या होता है मिट्टी अंदर आती है। तो बाकी एकदम ब्रांड न्यू सीट्स है और बैक रेस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, कर्टन है, एक रीडिंग लैम्प आपको यहाँ मिल जाता है और यहाँ पे एक वाटर होल्डर है और कोई भी रैक सामान के लिए आप दोनों को दो पर्सन के लिए दो है, तो काफ़ी अच्छा है ये और स्पेस बहुत ज़्यादा है। और ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इंसान सो जाए तो उसको मतलब गिरने का डर नहीं रहेगा, ये वाला काफ़ी अच्छा है, कितने भी यहाँ पे दिया हुआ है। और अभी आपको सिटिंग का मैं इंटीरियर दिखाता हूँ कुछ इस तरह से, ये देखो अभी मैं सीट पर बैठ चुका हूँ और ये देखिए पुश बैक किया हुआ है ऑलरेडी किसी ने, और मैं देखता हूँ कोशिश करता हूँ बस ये लास्ट है, इतना पुश बैक करके मतलब इतना लेट चुका हूँ। और आप देखोगे ना पहले वाले से ये वाली सीट की साइज़ देख लो आप, और ये देखो स्पेस देख लो, मतलब इतना ज़्यादा GSRTC ने इसमें कंफर्ट दिया है और बहुत ही अच्छा स्पेस भी दिया है सीट में, मतलब कितने भी मोटे पर्सन भी आगे बैठेंगे ना तो बहुत ही आराम से इसमें बैठ सकेंगे। ठीक है, पुश बैक सीट है और लेग स्पेस देख लो भाई साहब, बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है, देखो अगर मैं इतना पीछे होता हूँ तो इतना अच्छा लेग स्पेस मिल जाता है। सामने आपको एक मैगजीन होल्डर दिया है, हैंडल आपको दिया है, देखो हैंडल के ये सारे अभी भी ये थर्मोकोल सब लगे हुए हैं, वाटर बोटल होल्डर भी यहाँ पे मिल जाता है आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको मिला है चार्जर जो मैं ढूंढ रहा था, कर्टन आपको लगा के बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये USB का चार्जर यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो इस तरह से आप खोलेंगे दो पर्सन के लिए दो USB के होल्डर यहाँ पे दिए हुए हैं। और बस के अंदर में जितने भी स्लीपर्स हैं, मतलब 15 स्लीपर है और टोटल 30 सीट है, तो हर एक पर्सन को चार्जिंग का USB का केबल का पोर्ट मिलता है आपको इसमें, ऐसा नहीं है कि मतलब इसको है तो उसको नहीं है, हर एक सीट को है। और ऊपर में सीट वालों के लिए भी यहाँ पे रीडिंग लैंप वगैरह दी हुई है, अभी आगे से मतलब उनका कोई कंट्रोल रहता है, अभी बंद है, नाइट में ऑन कर दिएंगे। और कर्टन वगैरह भी यहाँ पे है रेड कलर में, बहुत ही लाजवाब दिख रहे हैं, आप देखोगे ना आपको नाइट में और भी अच्छे से दिखाऊंगा मैं इसका इंटीरियर जब लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएगी तब। ये अभी कंडक्टर साहब आए थे तो मैंने टिकट बनाया है, क्योंकि अभी तक इस बस का ऑनलाइन में शो नहीं हो रहा है और ऑनलाइन में टिकट नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं अंदर से टिकट कटवा रहा हूँ। वैसे बस भी खाली है तो मैंने स्लीपर लिया है, एक डबल का स्लीपर, हम दो जने हैं साथ में, तो 1174 रुपये यहाँ पर लगा है, 1174 रुपीज़, तो 507 रुपये इसके हैं सिटिंग चार्ज, और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर 80 रुपीज़, मतलब आप अगर सिटिंग से स्लीपर में कन्वर्ट होना चाहते हो तो 80 रुपीज़ आपको बढ़ता है, और आप अगर सिर्फ सीट लेते हो तो 507 यानी 80 रुपीज़ आपका माइनस हो जाता है, तो ये अच्छा है। वैसे सीट भी अच्छा है लेकिन लॉन्ग टूर है तो स्लीपर मोस्ट ज़रूरी है, तो हमने स्लीपर ले लिया है। बाकी कोशिश करेंगे नीचे ही बैठने की, आपको रूट कवर करके बताएंगे। और अगर कंपैरिजन करूँ ऑरेंज स्लीपर से इस पर्पल वाली स्लीपर के साथ में, तो मुझे ये पर्पल वाली कंफर्ट के बारे में बेस्ट लगी, क्योंकि इसकी जो सीटिंग की जो अरेंजमेंट जो बनाई गई है इस बस में काफ़ी स्पेस वाली है और लेग स्पेस से लेके हर चीज़ में बेस्ट है, प्लग का कोई इसमें सिस्टम नहीं रखा है, सब जगह USB के पोर्ट दिए हैं चार्जिंग के लिए, और लेग स्पेस बोलो या कंफर्ट के मामले में ये बस बेस्ट लगी मुझे। बाकी ऑरेंज वाली भी अच्छी ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें सीटिंग का जो ऑप्शन दिया ना काफ़ी अच्छा दिया है। मॉर्निंग से बैटरी चार्ज ही नहीं की है तो अभी थोड़ा मोबाइल चार्ज लगा रहा हूँ मैं, तो थोड़ा मोबाइल को चार्ज कर लेता हूँ और मिलते हैं, तब तक गांधीनगर भी आ जाएगा तो गांधीनगर ही मुलाकात करते हैं डायरेक्ट। अरे गांधीनगर आइए ना, गांधीनगर आओ, निकल लगे चले चलो, दबा दबा चला ही बड़ा है, अंदर को गाड़ी ला जाए। हां सर,
अरे गांधीनगर में आइए टाइम हुआ है अभी 5:25 हुए मतलब, और पहुंच चुके हम गांधीनगर बस स्टेशन। बहुत ही बढ़िया बस स्टेशन है यहाँ पे, और डबल डेकर भी मैंने देखी यहाँ पे और आपको भी दिखाई। और अभी टाइम हुआ है 6:11 और बस आ चुकी है हमारी रानी बस स्टेशन, जो कि अहमदाबाद के अंदर ही आता है। और जो इसके पहले आया था गांधीनगर, वो भी मतलब अहमदाबाद का पार्ट है, और ये रानी, और अब इसके बाद में जाएगी अहमदाबाद गीता मंदिर बस पोर्ट। और ये है RSRTC की ऑर्डिनरी बस, और पीछे से हमारे बस का कुछ इस तरह से है लुक। ये रूट बोर्ड आपको दिखा देता हूँ, पाटन वलसाड़ धर्मपुर नासिक, एकदम ब्रांड न्यू GSRTC पर्पल वाली। ये है साइड पोर्ट्स। विसनगर के बाद में पहला हॉल रानी बस स्टैंड पे ही लिया है चाय के लिए और वॉशरूम के लिए, तो सारे पैसेंजर नीचे उतरे हैं, उन्हें भी लिए चाय। और भाई साहब, यहाँ का बस स्टैंड की साफ सफाई तो बेहद खूबसूरत है, और वॉशरूम भी इतने क्लीन है ना, बहुत मेंटेन रखे गए, बहुत अच्छा। स्वच्छता ही सेवा है, और बात साफ सफाई की कर रहे थे और सामने ही पेंटिंग दिख गई। ये देखिए साफ सफाई, देखिए रानी बस स्टैंड की बेहद खूबसूरत। टाइम हुआ है 7:07 और बस पहुंची है अहमदाबाद गीता मंदिर बस पोर्ट पे, और प्लेटफॉर्म खाली ना होने की वजह से बस पीछे यहाँ पर खड़ी है। अब जब प्लेटफॉर्म खाली होगा तब बस लगेगी प्लेटफॉर्म पे, और कुछ जो भी पैसेंजर वगैरह रहेंगे उनको लेके निकलेगी बस। ये देखो 7:08 हो चुके हैं और ये बस खड़ी है हमारी यहाँ पर, और ये पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर जाम है। और ये नज़ारा है गीता मंदिर बस पोर्ट का शाम के टाइम पर, काफ़ी लेट हो चुकी है बस हमारी, और फाइनली बस जा चुकी है प्लेटफॉर्म पे। अलग ही कोई प्लेटफॉर्म पे लगाया है बस को, अब कोई दूसरी जगह ही बस को लगाया है प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि क्या है कि ड्राइवर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मतलब जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ही हम प्रॉपर बस लगाते हैं, तो उस रूट की सवारी हमें मिल जाती है, लेकिन अब जगह ही नहीं है और वेटिंग चल रही है ऑलरेडी कंटिन्यू, तो अलग जगह बस लगी है।
चलो देखते हैं कितनी देर यहाँ पे खड़ी रहती है, उसके बाद में हम यहाँ से लेते हैं डिपार्चर। और अभी 7:15 हो गए हैं और अभी बस हमारी निकल रही है, रिवर्स ले रही है, क्योंकि आज ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है तो अभी बस ले रहे हैं रिवर्स। चुका हूँ मैं मेरे स्लीपर कंपार्टमेंट में, तो कुछ इस तरह से ये स्लीपर वैसे तो बस पूरी खाली ही है, लेकिन हमने तो भी थोड़ा रेस्ट करने, क्योंकि इतना लॉन्ग टूर है तो थोड़ा तो रेस्ट मतलब लगेगा ही, तो मतलब जस्ट एक दिखाने के लिए। और अभी क्या है कि मैं आपको एक्सप्रेस हाईवे पे बस चल रही ना उसकी कैबिनेट दिखा रहा था, और पीछे का जो लाइट है वो सामने के कांच पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस वजह से रोड की क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो कुछ समय के लिए उन्होंने चालू रखा है। और उसके बाद में मैं फिर वो आनंद के आगे फिर से एक बार आगे जाऊंगा और आपको एक कैबिन राइड बढ़िया से एक्सप्रेस हाईवे की दिखाऊंगा। थोड़ी तो वैसे मैंने आपको दिखाई है, मोबाइल की बैटरी फिर से डाउन हो चुकी है, थोड़ा और चार्ज कर लेता हूँ। उस वक्त मैंने 40% ही चार्ज किया था और अभी वापस से 15% हो चुका है, तो थोड़ा और मैं मतलब 30-40 कर लेता हूँ, तो फिर आनंद वगैरह भी आ जाएगा। थोड़ा कैबिन राइड आपको और दिखाएंगे, फिर बड़ौदा का अराइवल वगैरह लेंगे, फिर और जो भी है डिनर के लिए बस कहाँ रुकेगी और उसके आगे और जितना हो सके उतना मैं सब कुछ आपको कवर करके बताऊंगा इस बस में। आ चुके हैं वडोदरा बस पोर्ट और ये रही पीछे हमारी बस, और अभी टाइम हुआ है 9:29, 9:30 का टाइम हुआ है, काफ़ी लेट आई है बस यहाँ पे। और यहाँ पे GSRTC की वोल्वो यहाँ पे सब खड़ी है और काफ़ी बेहद खूबसूरत ये बस स्टैंड, और बहुत ज़्यादा बड़ौदा सिटी के अंदर में ट्रैफिक थी, हमें बस स्टैंड आते आते मतलब 25-30 लग गए हैं। अब देखते हैं बाहर, अगर जल्द से जल्द निकले तो और कवर हो जाएगा। Yeah.
फाइनली दोस्तों बस ने ले लिया है डिनर के लिए हॉल। जगह का नाम है शायद पालेज करके, और यहाँ पर गुरु कृपा करके होटल है, यहाँ पर डिनर के लिए बस ने हॉल लिया है। और काफ़ी पैसेंजर लोगों की कंप्लेंट आ रही थी यार, क्योंकि भूख लग गई थी सबको, और बस स्टैंड पे कोई ब्रेकफास्ट वगैरह भी ढंग का मिल नहीं रहा था। तो अभी उतरे हैं और बजा है अभी 10:51 हुआ है टाइम, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो 11 अभी डिनर हो रहा है अभी हमारा, तो जाएंगे फटाफट से कुछ तो भी खाएंगे, और खाने के बाद में आपको रिव्यू भी दे देंगे या फिर आपको दिखा भी देंगे हमने क्या मंगाया है। और ये साइड में आप देख सकते हो नेशनल हाईवे 48 मुंबई अहमदाबाद। तो चलो चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर में, और यहाँ पर देख सकते हो सारी GSRTC की ही बसें खड़ी है, मतलब शायद इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी रहता होगा, और क्योंकि कोई प्राइवेट ऑपरेटर यहाँ पर है ही नहीं है। बैठे हैं अभी रेस्टोरेंट में, और ये कुछ इस तरह से प्लेट्स ला के दिए हैं इन्होंने, और उसके अंदर में देखिए ऐसे प्याज वगैरह हैं। तो ऑर्डर दिए अभी साथ में है हमारे भाई करण, और अभी हमने ऑर्डर दिया है शो टमाटर की सब्ज़ी और दाल तड़का, और फुलका रोटी यहाँ पे मिलती है, तो दो दो रोटी भी दी है ऑर्डर। देखते आने के बाद में टेस्ट करके रिव्यू देंगे आपको कैसा है टेस्ट। और ये आ चुका है खाना यहाँ पर, ये है रोटी और ये दाल तड़का और ये शो टमाटर। चलो भाई लो और फटाफट से रिव्यू दो। तो चलो पहला निवाला मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ, कैसे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जो भी ढाबे जो भी देते हैं हाईवेज में उस हिसाब से ठीक है टेस्ट। दाल को टेस्ट करते हैं, दाल भी ठीक है, हल्का नमक कम है, बाकी वर्थ है। मतलब आपको भूख लगी है तो आप रिकमेंड है, आप खा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ढाबे के हिसाब से सही है। तो हो चुका है डिनर वगैरह, अभी बस चलने को तैयार है 25 मिनट, वैसे अभी तक तो ब्रेक यहाँ पर हो चुका, 10:50 को बस यहाँ पर आई थी, अब 11:15 हो चुका है। देखते हैं अभी ड्राइवर साहब का अभी तक भोजन वगैरह हुआ नहीं है, जब वो आएंगे तब निकलेंगे। हमारे पहले वाले जो ड्राइवर है ये अभी पाटन से चला कर आए थे, और अभी होटल तक इन्होंने चलाया। अब सेकंड ड्राइवर साहब अभी बैठे हैं, और मजे की बात ये है कि इनका भी नाम ठाकुर साहब है और इनका भी नाम ठाकुर साहब है। तो अभी ये लेके जाएंगे हमें पालेज से नासिक तक का सफ़र। तो चलो ठाकुर साहब आप रेस्ट करिए, सुबह आपसे बात करूँगा आराम से। टाइम हुआ है 4:21 और बस आई है अभी धर्मपुर, कृष्णा होटल है पीछे, वहाँ पर रुकी है बस। तो मतलब मैं वैसे तो सो गया था रात को, जो पालेज पे खाना खा के निकली थी बस, तो उसके बाद में मतलब बहुत छास वगैरह पी लिया था, तो बहुत हेवी हो गया था, तो सीधा नींद बलसाड़ पे खुला था। और एक्चुअली जो ड्राइवर है साथ में, ड्राइवर कंडक्टर जो भी है, अच्छा इसमें आपको एक बता दूँ, इस बस में टोटल 2 ड्राइवर और 2 कंडक्टर है, ठीक है, ये मैंने पहली बार देखा है। 2 ड्राइवर 1 कंडक्टर ठीक था, लेकिन 2 ड्राइवर और 2 कंडक्टर साथ में चल रहे हैं, होगा इनका कुछ डिवीजन की तरफ से। लेकिन जो है पर्सन ड्राइवर, उनको मतलब कंडक्टर और ड्राइवर किसी को रूट पता नहीं है, तो वलसाड़ से उनको पूरा रूट मैं फॉलो करा रहा हूँ। तो मोबाइल थोड़ा चार्ज भी हो रहा था, तो अभी मैं धर्मपुर का आपको कुछ शॉट दिखाया, और अभी यहाँ पर रुके हैं। अब यहाँ से हम निकलेंगे सीधा टुवर्ड्स नासिक के लिए।
और जस्ट अभी हमारे बाजू में आई है अहमदाबाद नासिक MSRTC की स्लीपर बस, जो कि 8:30 समथिंग गीता मंदिर बस स्टैंड से निकलती है ये। तो हमारे बस का आज फर्स्ट डे इनॉग्रल रन है, तो थोड़ी आराम आराम से आई है। तो फाइनली आ चुके हैं नासिक सिटी, और बहुत ज़्यादा ट्रॉफिक था और ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इस कारण मैं ट्रॉफिक का वीडियो वगैरह लिया नहीं और घाट का भी ज़्यादा शूट किया नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो काफ़ी बड़े थे, 30 मिनट के ऊपर हो चुके थे। तो काफ़ी सब्सक्राइबर भाइयों ने बोला कि ज़्यादा बड़ा वीडियो मत डाला करो, तो कुछ छोटा वीडियो बना के मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा वीडियो आपको दे सकूँ, जितना कम हो सके उतना दे सकूँ। और अब मिलवाते हैं आपको ड्राइवर और कंडक्टर साहब से, और इस बस में 2 ड्राइवर और 2 कंडक्टर मैंने आपको बोला, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। और नासिक से ये बस निकलती है 3:00 PM पाटंग के लिए, और अभी इनका क्या है कि नया रूट है, स्टार्टिंग है, आज इनॉग्रल रन था तो थोड़ा लेट हुआ है। अभी टाइम हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो 8:37, तो सुबह 5 का ऑनलाइन टाइम यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन कैसा है कि नया रूट होने के कारण इनको पता भी नहीं था, थोड़ा रूट जानकारी भी नहीं थी, और उस हिसाब से अभी आए हैं। सेट होते होते इनका टाइमिंग सेट हो जाएगा, करीबन 6 के आसपास में नासिक सिटी लेके आ जाएंगे ये बस। बाकी बस काफ़ी कम्फर्ट है, कम्फर्ट के मामले में बस एक नंबर है, और ड्राइविंग भी बहुत अच्छी तरीके से की है ड्राइवर साहब ने। और बस के मतलब बारे में बोलो ही मत, ब्रांड न्यू बस है, इनॉग्रल रन था तो आज लेट होना ही था। सामने आप देख सकते हो नासिक कड़ी बस आ चुकी है और नासिक अमरेली बस आ चुकी है यहाँ पे, और ये रही अपनी खूबसूरत सी नई ब्रांड न्यू पर्पल पाटन नासिक बस। और ये है हमारे साथ में, इनसे मुलाकात नहीं कर रही थी, ये दोनों है कंडक्टर इस बस में और 2 है ड्राइवर साथ में। तो ये पहली बार मैंने देखा है कि 2 कंडक्टर 2 ड्राइवर एक साथ में आए हैं। तो 650 किलोमीटर की जर्नी फाइनली हमने की है और इन्होंने लगभग 700 किलोमीटर की जर्नी की है। कैसा लगा ड्राइवर साहब? बहुत मजा आया, पहला रूट था या इनॉग्रल रन था आज? हाँ। कैसा लगा गाड़ी चलाने को? अच्छा। तो पहले से ही आप यही स्लीपर ही चला रहे हो कि इसके पहले कोई सीटर वाली भी चली थी बस? नहीं, सब चलाई। सब चलाई आपने? और आपने? मैं भी स्लीपर चला था। स्लीपर ही चला रहे हो आप? कितने साल से आप चला रहे हो स्लीपर? 5 साल। 5 साल से आप भी? आप भी 5 साल से चला रहे हो? अच्छा, तो अच्छा लगा नासिक आके पाटन से? बहुत, आप साथ में थे तो मजा आ गया। मजा आ गया, चलो हमें भी बहुत मजा आया आपके साथ। और आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप दोनों ने तो ड्यूटी एक जैसी कर ली, समान ही कर ली। चलो ठीक है, आप चारों का बहुत बहुत आभार, बहुत सपोर्ट किया हम चारों को, आप सब ने, तो एक बार धन्यवाद आप सभी को। आज का इनॉग्रल रन की जर्नी आपको कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।